गन पे डन में जब कॉस्ट्यूम की बात आती है, लुक की बात आती है, और मैं जब चांदनी से मिला तो वी वर नॉट वेरी श्योर कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बिकॉज फिरोज साहब का लुक देना था जिमी को, एंड फिरोज खान साहब का लुक जिमी को देना मतलब अमिताभ बच्चन साहब से बाका रोल करवाने के बराबर था। इट वॉज सच अ डिफिकल्ट जॉब, आई कैन नॉट टेल यू। बट चांदनी हु इज़ लाइक हिज गिवेन 100% टू द फिल्म, शी हैज़ कम आउट विद ऑल दिस डिज़ाइंस एंड शी स्टार्टेड शोइंग ऑल दिस डिज़ाइंस एंड दोज डिज़ाइंस वर सो गुड, सो क्लोज टू दोज अटायर्स, यू नो। एंड देन आई यू नो लाइक आई स्टार्टेड यू नो आई आई हैड वॉट एवर इमेजिनेशन आई हैड ऑफ जिमी एज फिरोज खान साहब, सो इट वॉज वेरी क्लोज, इट वॉज वेरी क्लोज। एंड देन यू नो लाइक आई स्टार्ट लाइकिंग इट। देन द सेकेंड प्रोसेस स्टार्टेड यू नो बाइंग अ क्लोथ एंड दैट कॉल शी वॉज टेकिंग, चांदनी वॉज टेकिंग, एंड इट वॉज अ ग्रेट जॉब। बट देन अगेन द सेकेंड प्रॉब्लम, द मेजर प्रॉब्लम वॉज विजय राज इज फॉलोइंग कॉपिंग दिस गाय जिमी शेरगिल सा। सो नाउ विजय राज इज अ कंप्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर, एंड विजय राज कॉपिंग जिमी शेरगिल, जिमी शेरगिल इज कॉपिंग फिरोज खान साहब, लाइक इट शुड नॉट लुक द सेम, द कैरेक्टर्स आर कंप्लीटली डिफरेंट, बिकॉज विजय राज इज अ हूच माफिया गून, ही इज अ डिफरेंट, हिज कैरेक्टर इज कंप्लीटली डिफरेंट, ही कम्स फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड, ही इज अ वेरी रस्टी काइंड ऑफ, ही स्पीक्स अ वेरी डिफरेंट लैंग्वेज। सो हिज लुक, फॉर हिज लुक चांदनी हैज गिवन अ ग्रेट रिसर्च जॉब। से आई मस्ट अप्रिशिएट दिस गर्ल कॉल चांदनी हु इज आर डिजाइनर, बिकॉज शी हैज डन सच अ ग्रेट जॉब, स्मॉल स्मॉल रिसर्च एंड डिजाइनिंग, शी हैज कम आउट विथ ऑल दोज स्केचेस दैट वॉट ऑल दे आर गोइंग टू वेयर, लाइक फिरोज साहब के जैसा बूट कौन पहनेगा, उसके उनके ट्राउजर्स कैसे जाएंगे, और फिरोज खान साहब का एक एक स्टाइल होता है जब व्हेन ही वॉक्स और व्हेन ही वॉक्ड लेट फिरोज खान साहब व्हेन ही वाज वॉकिंग देयर वाज सम एलिगेंस, वेरी यू नो ही वाज वेरी स्टाइलिस्ट गाय, यू नो। तो चांदनी ने उस पर बहुत रिसर्च किया, स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे डिटेल्स पे काम करके उनके ट्राउजर्स, उनके शूज, उनके हैट, उनके उनके शर्ट्स, उनके वो बहुत बड़ी बड़ी घड़ियाँ पहनते थे और उनकी हाथों में अंगूठियाँ हुआ करती थी, तो उन सब पे बहुत अच्छा काम किया है, और उससे वो कैरेक्टर वैसा लग रहा है कि वो हार्ड कोर डाई हार्ड फैन है जिमी शेरगिल पंचम, हमारा जो कैरेक्टर है वो फिरोज खान साहब का बहुत ही डाई हार्ड फैन है, तो वो पूरा निकल के आया है बिकॉज ऑफ द लुक। बिकॉज क्या होता है कि हम किसी से भी मिलते हैं सबसे पहले कपड़ों पे नज़र जाती है हमारी, उसके लुक के ऊपर नज़र आती है। फिल्म में भी ऐसे ही है, जब ऑडियंस हमारे हमारे कैरेक्टर्स को देखते हैं तो वो ऑडियंस उन कैरेक्टर्स को वो लुक के थ्रू ही पहचानते हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो क्या पहन रहे हैं, उनके क्या कलर्स हैं, वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, और वो हमारे कैरेक्टर्स के साथ मैच करते हैं कि नहीं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड शी हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। मेरी कोशिश ये है, हालांकि ये बहुत मुश्किल है कि लोग फिरोज खान साहब के नाम से जिमी शेरगिल को जानेंगे, लेकिन मेरी ऐसी उम्मीद है, मेरी ऐसी कोशिश है, हम सब की ऐसी कोशिश है कि आने वाले वक्त में गन पे डन के थ्रू लोग जिमी शेरगिल को फिरोज खान साहब के स्टाइल के साथ रिलेट करें या जाने, तो मुझे बहुत खुशी होगी, और हमारे स्टाइलिस्ट, हमारे डिज़ाइनर चांदनी को भी बहुत खुशी होगी, जिसने बहुत 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 मेहनत किया इस फिल्म में। आई वुड लाइक टू ऐड यू समथिंग दैट थ्रू गन पे डन, ड्यू रिस्पेक्ट टू फिरोज खान साहब, वी आर गिविंग अ न्यू इंडियन काउबॉय दैट इज जिमी शेरगिल। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.